गन्स एंड ग्लव्स के नाम से नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज आई है जो कि एक डार्क कॉमेडी एंड गैंगस्टर ड्रामा है इन आरके एंड डीजे स्टाइल। आरके एंड डीजे वही जिन्होंने फर्जी एंड द फैमिली जैसी वेब सीरीज बनाई हुई है। इस बार उन्होंने हमारे सामने जो है 90s के इरा को लाया हुआ है। अगर आप 90s के किड्स हो तो पहले आप ये रिव्यू देखिएगा और खुद डिसाइड करिएगा कि ये वेब सीरीज आपके लिए हैवी या नहीं। वैसे मैं बता दूं, मेरा नाम है गौरव और आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। गन्स एंड ग्लव्स एक वेब सीरीज है 7 एपिसोड की। ऑलमोस्ट हर जो एपिसोड है वो 45 से 50 मिनट का है, लेकिन जो लास्ट वाला एपिसोड है वो है 80 मिनट का। मतलब कि अगर आप इस वेब सीरीज को देखने बैठोगे तो अप्रोक्सीमेट आप जो 5 या 6 घंटे में इस वेब सीरीज को आप देख के खत्म कर दोगे। आप देखोगे या नहीं, लेकिन मुझे ये देखकर मजा आ गया, स्पेशली लास्ट वाले एपिसोड में, क्योंकि इस अकेले एपिसोड में इतने क्लाइमेक्स एंड ट्विस्ट हैं कि देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा। मानना पड़ेगा राज एंड डीजे को, भाई साहब उन्होंने हर एक करेक्टर इतने अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस किया है कि आपको हर एक करेक्टर याद रहेगा और नॉर्मल ऑडियंस है वो भी आसानी से इससे कनेक्ट हो जाएगी। और करेक्टर जब समझ में आने लगते हैं तो स्टोरी को समझना इतना मुश्किल नहीं होता है। स्टोरी है गुलाबगंज एंड शेरपुर की, जहां दोनों जगह अलग अलग लीडर होते हैं और उनकी एक अपनी गैंग होती है, लेकिन दोनों में आपस में नहीं बनती है। वही मामला जो है नार्कोटिक्स का भी है, लेकिन हम स्टोरी को ज्यादा स्पॉइल नहीं करेंगे। लेकिन इस स्टोरी में आपको 90s का नुस्खा जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि उस इरा को दिखाने के लिए इन्होंने प्रोडक्शन में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। करेक्टर के हेयर स्टाइल से लेकर उनके कपड़ों की, बैकग्राउंड म्यूजिक की, पुराने टेप रिकॉर्डर, व्हीकल्स एंड रेडियो पर कमेंट्री वगैरह वगैरह, ऐसी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया गया है कि जिससे कि सीरीज में 90s की जान आ गई है। इसमें सारे एक्टर्स ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी है और सारे एक्टर्स के नाम भी काफी बड़े बड़े हैं। उल्का सलमान, राजकुमार राव, आदर्श गौरव, सतीश कौशिक, गुलशन देवैया, और गुलशन देवैया ने तो भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट क्लर्क की क्या एक्टिंग की है, मजा आ जाएगा। आप जब ये वेब सीरीज देखोगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। सीरीज क्योंकि एक कॉमेडी एंड गैंगस्टर जोन से बिलोंग करती है, तो इसमें अच्छे खासे डायलॉग्स एंड सिचुएशन ऐसे हैं कि जहाँ पर सीरियस मोड को भी एक कॉमेडी में तब्दील कर दिया गया है। जस्ट लाइक अगर आपने दिल्ली वैली मूवी देखी है तो इसका भी ह्यूमर कुछ ऐसा ही है, डार्क कॉमेडी विद गैंगस्टर ड्रामा। इवन पूरी सीरीज में आपको मिर्जापुर की लाइन एंड स्टोरी की झलक भी देखने को मिलेगी। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बस आपको समझाना चाहता हूँ कि इस वेब सीरीज ने आपको क्या दिखाने की कोशिश की है। एक बात और बता दूं, ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर होने के बावजूद भी इस वेब सीरीज में कहीं भी न्यूडिटी नहीं है, यहाँ तक कि इसमें कोई किसिंग वाला सीन भी नहीं है। अगर हम बात करें गालियों की तो दोस्तों इसमें जो गालियाँ हैं वो आपको भर भर के किलो के भाव में मिलेंगी। और अब ये गालियों की वजह से आप फैमिली के साथ देखना चाहते हो तो ये आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा, बाकी बच्चे इससे दूर रहेगा। और वहीं अगर आप इसको जो अपने दोस्तों के साथ देखना पसंद करते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।